वाटर ठंडा है सर? वाटर ठंडा है? वाटर ठंडा है? कोल्ड है वाटर? ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ये मैं बना रही हूँ लज़ानिया, और उसके लिए मैं बना रही हूँ सबसे पहले वाइट सॉस। ये मैं घर में ही बनाती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है बटर, 3 टीस्पून नहीं टेबलस्पून होगा, और उसमें डाला है मैदा 2 टेबलस्पून, कम या थोड़ा आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको किया मिक्स, इसमें बटर अगर थिक हो तो बटर और डाल लें, और इसको हल्की आंच पे मिक्स करते रहें, ऐसे भूनते रहें। जब ये थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये इसकी खुशबू आनी शुरू होगी, और ज़्यादा नहीं भूनना कि ब्राउन हो जाए, तो इसमें मैंने और बटर डाला था, मुझे थिक लग रहा था। इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएं, चम्मच लगातार चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो आज है हमारे घर, हमने करनी है बारबेक्यू पार्टी, तो मैंने कहा चलो साथ ये भी बना लेते हैं लज़ानिया। मौसम भी आज अच्छा है, धूप है, जाती जाते गर्मियां जा रही हैं। ये मैंने बटर और डाला है, मुझे और कम लग रहा था। मैदा भी और डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी सॉस, अंदाज़े से, मैं तो ज़्यादा अंदाज़े से भी डाल लेती हूँ। इसको भूनते रहे हल्की आंच पे। ये देखिए अब आपको ये नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा ब्राउन, अब ये हो गया था। अब इसमें मैं डालूँगी मिल्क। दूध जो है वो अपने अंदाज़े से ही डालना है, वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही। थोड़ा ज़्यादा डालें पहले, फिर तेज़ आंच पे उसको एक बॉयल आने दें, और फिर आग हल्की कर दें, हल्की आग पे वो पकता रहे और थिक हो जाएगी। जैसे ही वो थिक होगा पता चल जाता है कि कितना रखना है। चम्मच लगातार चलाते रहना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, गुठलियाँ बन जाएँ तो फिर नहीं भी वो हार ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये मैंने डाला है सॉल्ट, अगर बटर है आपका सॉल्टेड फिर आपने सॉल्ट कम डालना है। ये मैंने डाली ब्लैक पेपर। अब मैं इसमें डालूँगी ऑरिगैनो, इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, इसको मैं इसमें भी डालती हूँ और फिर ऊपर भी डालती हूँ बेक करते हुए। अभी ये थिक होना शुरू हो जाएगा, ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, नहीं तो वो ठंडा होके बहुत ही थिक हो जाता है आपके लिए लगाने तक। इस तरह का आपने रखना है। ये बन गया, अब इसकी मैं बनाऊंगी कीमे के लिए लगाऊंगी। इसका क्लिप अब मेरे से मिस हो गया, इसमें मैं डाल रहा था शिमला मिर्च डाली थी और सॉस वो बना ली इसका मिक्सचर कीमे का। अब इसकी मैं थोड़ा सा ये डालूँगी, थोड़ी सी वाइट सॉस डालूँगी नीचे और फिर ऊपर शीट डालूँगी, अदरवाइज़ वो नीचे से जल जाती हैं अगर स्ट्रेट आप रखें तो। ये मैंने ऊपर कीमा और डाला, ऊपर फिर नहीं वो डाली थी शीट, फिर ऊपर वाइट सॉस, फिर कीमा, अब फिर शीट लगाऊंगी। ऐसे ही सारी लेयर लगा लेनी, आप अंदर चीज़ की भी एक लेयर लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाली थी अंदर, फिर ऊपर शीट लगाई थी, और मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों यूज़ करूँगी। यस, फिर अब मैंने उसके ऊपर लगाई शीट, फिर ऊपर डाली वाइट सॉस। ये वाइट सॉस
शीट के ऊपर, फिर ऊपर कीमा, फिर ऊपर शीट, ऐसी सारी आपने लेयर लगा लेनी है। और ये मैंने फाइनल ऊपर डाली थी चीज़, और ऑरिगैनो थोड़ी सी डाली, ब्लैक ऑलिव्स डाले, ब्लैक ऑलिव्स बहुत मज़े के लगते हैं। इसके बाद मैं इसको डाल दूँगी ओवन में, ओवन में होगा बेक। और ये देखें, ये हो गया बेक, ये थोड़ा सा जल गया मुझे, मैं ये देखें फाइनल लुक दही बड़ों, ये मैंने बढ़ाए थे दही बड़े। और बाहर बच्चे खेल रहे थे, ये कोयले जल रहे थे वो, और धूप बड़ी अच्छी थी, मौसम क्या हुआ जैन? ये जैन को बड़ा मजा आता है। जैनी व्हाट हैपेंड? खाना उसने होता है वो, द ट्रैम्पलिन पे प्ले करो, गो होती है ना सारा, चलो जाओ पहले इसने खाना है, मैं ऊपर होता है ये बात है। और ये मेरे बच्चे खुश हैं तो साथ साथ हम खा रहे हैं, बारबेक्यू साथ साथ ही अच्छा, वो भी ले लीजिएगा प्लीज। हेलो, बस यही मौज है गर्मियों की, वीडियो बना, बारबेक्यू का बहुत मजा आता है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाटरमेलन लाओ, और ये देखें बारबेक्यू के बाद वाला सीन। इसके साथ ही वीडियो होती है ख़त्म। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।